दूसरी बार आमरिंग परिषदीय सीट से बीजेपी ने रीना तेरांगपी को भाजपा से टिकट दिया है और भाजपा से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेरोनी में रीना तेरांगपी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, वहीं खुशी में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को जिताने का संकल्प भी लिया। क्या कुछ कहा सुनिए। खुशी है, हम लोग महिला लोग जो इतना महिला में फिर दोबारा टिकट मिला है, इसलिए हम लोग जोरदार से महिला को फिर हम लोग टिकट दिया है, उसको जिता कर फिर हम लोग जिताएगी। फिर पहले 5 साल कार्यकर्ता में वो MSC अनुसार से बहुत काम समस्ती 19 प्रार्थी तार मजते आम बैदे एजे टिकट लैसे गति के आम धन्यवाद जानसो। यार मजद आम गोर्खा गोर्खा राइज प्राय आमरेंग समित 5,000 गोर्खा आसे, गोर्खा बक बैदे आसे और जो बार आगंतुक जी इलेक्शन जी बैदे मत पासी तार बेसि भोटेरे बैदे एबार जयजुक्त हम बोली आम आशा बैदे टिकट पाले बहुत भल लगे और जिकिबई बैदे जो शेष नेतृत्व बैदे को अच्छा पा के दिया है। बैदे गया 5 साल में बहुत हमारे आमरंग में काम हुआ है और हम चाहते हैं कि उससे अच्छा बैदे करेंगी, इसीलिए बैदे को मिलने पर हार्दिक शुभकामना जना रहे हैं मंडल आमरंग मंडल के तरफ से। आमरंग में बहुत खुशी का माहौल है और उनके नेतृत्व में सारे समाज सारे जनगोष्ठी का जो एक विकास का जो भाव छिपा हुआ है वो आगे बढ़ते जाएगा। तो बहुत अच्छा मिला और पिछले जो 5 साल जो काम किया था वो उसके ऊपर भी अच्छा लगा राज को समाज को और आने वाला पोल को बिना तंग भी बैदो और अच्छे से काम करेंगे डेवलप के लिए, इसी इसके ऊपर में हम लोग का पूरा विश्वास। मैं उन प्रथम में हम शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पार्टी का प्रेसिडेंट भवेश कलिता जी को और असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को और संगठन मंत्री फोनी शर्मा जी को और हम लोग का कार्बी आंगला ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलीराम जी को और पश्चिम कार्बी आंगलोंग का प्रेसिडेंट रोडीप रोंगहांग जी को मैं मेरा दिल से उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ और मुझे जो पार्टी का टिकट दिया है वो लोग, इसलिए मैं धन्यवाद जनाती हूँ। और मुझे ये टिकट उम्मीदवार हमको फिर इसलिए हमको मौका दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं 5 साल में क्योंकि मेरा नाइनोंग आमरंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जो करियर हमको करना चाहिए वो हो नहीं पाया है पूरा, इसलिए मैं फिर दोबारा आई करने में मैं प्राथमिकता वही रहेंगे। मैं पिछले बार भी मैं अपना मंडल ऑफिस में मैं वही बात बोली हूँ कि एक नंबर है मेरी मैं रास्ते, दो नंबर है मेरे लिए शिक्षा और 3 नंबर है मेरे लिए जो लोगों को मैंने हॉस्पिटल फैसिलिटीज ये सब देना चाहती थी। वो रास्ते हम मेरा समझती में सबसे बड़ा और सबसे लंबा रास्ता है, दो है, एक है खेरोनी चारली टू लामसखांग और एक है खेरोनी और जिरीकिंडी। फिलहाल मैं दो रास्ते में से एक रास्ते तो मैं अभी काम चल रहा है और एक रास्ता में बाकी रह गया है और मैं इस कार्यकाल में हम ये एक रास्ता खेरोनी जिरीकिंडी भी हम कंप्लीट करने के लिए और उसको करने के लिए हम कोशिश करेंगे। नॉमिनेशन कल जाएंगे हम लोग।